हेलो एवरीवन, माय सेल्फ एजे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैसे कि जेएसपी क्या होता है एंड सर्वलेट क्या होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। लास्ट सेशन में हमने कवर किया। इस सेशन में हम देखेंगे डिफरेंट एक्शन एलिमेंट्स के, एक्शन एलिमेंट का कंसेप्ट क्या है एंड उसके डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के एक्शन एलिमेंट हो सकते हैं एंड उसके यूजेस, या एक्चुअल जो एक्शन एलिमेंट्स है वो किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन ओवर जेएसपी पेज। जेएसपी पेज के जैसे दो फॉर्मेट हमने देखे थे, वन जैसे एक्सएमएल फॉर्मेट एंड सेकेंड जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो उसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि किस तरह से हम हमारे एक्शन एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड उसका यूज क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, कौन से पर्पज़ के लिए हमने उसको क्रिएट किया या यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जैसे एक्शन एलिमेंट आर स्पेसिफिक टैग दैट अफेक्ट द रन टाइम बिहेवियर, अफेक्ट द रिस्पॉन्स सेंड टू द क्लाइंट एंड अफेक्ट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट पेजेस। कि थ्री डिफरेंट थिंग्स के लिए ये नंबर्स ऑफ टैग्स हम यूज करने वाले, जैसे एक्शन एलिमेंट के नॉर्मल एचटीएमएल एंड एक्सएमएल के अंदर हमें यूज करना है। तो एक्शन एलिमेंट इज नथिंग बट द टैग्स। ओके, एक स्पेसिफिकली टैग हो गए, जैसे कि हमारे एक्सएमएल टैग से एचटीएमएल टैग है, सिमिलर उसकी तरह ये भी एक टैग ही होंगे। बट एक क्या वर्क करने वाले, किस स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम यूज करने वाले, तो फर्स्ट पर्पज दैट इज एन रन टाइम बिहेवियर ऑफ जेएसपी पेज। कि जिस तरह जो बिहेवियर है, किस तरह से हमें जेएसपी पेज वर्क होना चाहिए, कि जैसे डायनेमिक, स्टैटिक या और कोई वे में, डायनेमिक के अंदर कौन से वे के अंदर हमारा जो पेज है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उस सिनारियो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्शन एलिमेंट ऐड करने वाले। देन सेकेंड सिनारियो दैट इज अफेक्ट द रिस्पॉन्स सेंड बैक टू द क्लाइंट। कि हमारे क्लाइंट को जो भी हम नंबर्स ऑफ रिस्पॉन्स सेंड करने वाले, या अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को किस तरह से हमें हैंडल करना है। तो ये सारे सिनारियों के लिए, इस लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम बोल सकते हैं हम यहाँ पे एक्शन एलिमेंट, एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वेस्ट, तो उस सिनारियों के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट इज एक्शन एलिमेंट। देन नेक्स्ट दैट इज अलाउ द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल बिटवीन द पेजेस। जैसे जो पेजेस होंगे, नंबर्स ऑफ पेजेस कि जहाँ पे हम एक्शन परफॉर्म करने वाले, सो जो कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म हमने देखा था, इन्हें कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म की जो कंट्रोल होगा वन पेज टू नेक्स्ट पेज या अनदर पेज किस तरह से करे, या बिटवीन द नंबर्स ऑफ पेजेस फ्लो होने वाले हमारा तो किस तरह से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वाया एक्शन एलिमेंट हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले। कि सिंपल जस्ट लाइक वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ पेजेस, सो नंबर्स ऑफ पेजेस के बिटवीन जो भी हमें फ्लो होगा या जो भी कंट्रोल होगा उसको हैंडल करने के लिए एक्शन एलिमेंट यहाँ पे हम यूज करने वाले। देन नेक्स्ट, द एक्शन इज यूज अ कंस्ट्रक्ट इन एक्सएमएल सिंटैक्स। सो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखो कि जैसे कि जो हमारे एक्शन एलिमेंट है वो किसके फॉर्म में होने वाले हैं, जैसे एक्सएमएल सिंटैक्स। तो एक्सएमएल सिंटैक्स के लिए आपको सेम जेएसपी एक्सएमएल टैग्स यूज करना है। तो जेएसपी पेज क्रिएट करने है वाया एक्सएमएल सिंटैक्स, उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर आप एक्शन एलिमेंट डिफाइन कर सकते हो। दिस कंस्ट्रक्टर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ सर्वलेट इंजिन। जो सर्वलेट के ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करना है, या जो बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, डायनेमिकली किस तरह से मूव होना चाहिए आपका डेटा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करने वाले हो। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं दैट इज एन यूजेस। क्या यूजेस है इसके, द यूजेस ऑफ एन एक्शन एलिमेंट। द फर्स्ट, डायनेमिकली इंसर्ट अ फाइल, रीयूज अ जावा बीन कंपोनेंट, फॉरवर्ड द यूजर टू अनदर पेज एंड एक्सेस पैरामीटर सेंड विथ अ रिक्वेस्ट टू डू डेटाबेस लुकअप एंड लास्ट दैट इज जनरेटर एचटीएमएल सच एज द टेबल पॉपुलेट विथ द इंफॉर्मेशन रिट्राइव फॉर एन एक्सटर्नल सिस्टम। फर्स्ट, डायनेमिक इंसर्शन ऑफ फाइल। जो भी डायनेमिक बिहेवियर जैसे लाइक हमने बोला था, तो डायनेमिक जो भी चेंजेस हमारे सिस्टम के अंदर हमें करने, या डायनेमिकली कोई कंटेंट ऐड करना है टू अ जेएसपी पेज,
टू सर्वलेट, तो उस सारी सिनारियों के लिए हम एक्शन एलिमेंट यूज करेंगे। सेकेंड, द रीयूजेबिलिटी ऑफ एन जावा बीन कंपोनेंट, कि जावा बीन कंपोनेंट के अंदर जावा बीन कंपोनेंट का जो कोड होगा उसको रीयूज करने के लिए हम क्या करेंगे, जेएसपी पेज, जेएसपी एक्शन एलिमेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे। देन नेक्स्ट, फॉरवर्ड टू यूजर टू अनदर पेज, जैसे कि जो हमने बोला था अलाउ द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल बिटवीन द पेजेस, कि नंबर ऑफ पेजेस के जो भी कंट्रोल होंगे वो एक से दूसरे पेज के ऊपर, या ये जो यूजर होगा यूजर का कंट्रोल वन पेज टू नेक्स्ट पेज यहाँ पे फॉरवर्ड करने के लिए हम यूज करेंगे एक्शन एलिमेंट। देन नेक्स्ट, एक्सेस पैरामीटर सेंड विद द रिक्वेस्ट टू अ डेटाबेस लुकअप, नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स हम पास करते हैं फ्रॉम वन पेज टू नेक्स्ट पेज, तो इस सिनेरियो के अंदर जो पैरामीटर्स हम सेंड कर रहे हैं देन उस जो डेटा आपके डेटाबेस के अंदर जाएगा, देन अगेन उससे जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होगी, इन एक्शन एलिमेंट। एक्शन एलिमेंट हम यूज़ करेंगे ये सारे पर्पज के लिए। सो वाया एक्शन एलिमेंट जो भी पैरामीटर्स आपको पास करने हैं वाया रिक्वेस्ट एंड उसके अकॉर्डिंगली जो डेटाबेस लुकअप इन द सेम डेटाबेस के अंदर जो भी रिजल्ट जनरेट होने वाला है सो हम उसको रिट्राई करेंगे, एंड रिट्राई करने के बाद जनरेट द एचटीएमएल पेज, तो एचटीएमएल पेज सच एज अ टेबल जो भी आपका डेटाबेस का आउटपुट आने वाला है इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। सो वाया टेबल हम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ एक्सटर्नल सिस्टम। ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एन एक्शन लुक लाइक रेगुलर एचटीएमएल टैग एंड डज नॉट अलाउ द लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज ग्रेटर देन सिंटैक्स टू कन्वर्सेशन, इसके लिए हमें ये स्पेसिफिक टैग इसके अंदर यूज नहीं करना, बट हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं लाइक एन एचटीएमएल टैग, के एचटीएमएल टैग की तरह होता है बट हम इसको एक्सएमएल के अंदर यूज करते। तो स्टैंडर्ड एक्शन टाइप्स कौन कौन से इसके अंदर है, तो थ्री टाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले, फर्स्ट इंक्लूड टू अदर फाइल, फॉरवर्ड एंड अ पैरामीटर पासिंग, ये तीन टाइप्स इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो वन बाय वन तीनों भी टाइप इसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट जैसे इंक्लूड टू अदर फाइल्स, के इन इंक्लूड टू अदर फाइल्स जैसे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर दोनों मेथड देखे थे, इंक्लूड मेथड एंड फॉरवर्ड मेथड, सेम उस सहूलियत के अंदर हमने देखे थे, तो सेम यहाँ पे जेएसपी के अंदर हमें परफॉर्म करना है इंक्लूड एंड फॉरवर्ड। फॉर इंक्लूड वी यूज द एक्शन दैट इज अ जेएसपी इंक्लूड, ओके, जेएसपी इंक्लूड ए मेथड या ए एक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, सिर्फ कीवर्ड चेंज हो गया है मेथड टू एक्शन, एंड दिस अलाउ अ स्टैटिक एंड डायनेमिक रिसोर्सेज टू इंक्लूड द करंट जेएसपी एज अ रिक्वेस्ट टाइम, एट द रिक्वेस्ट जो भी हमारे पेज को आएगा उसको हैंडल करने के लिए जैसे रिसोर्सेज को इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इंक्लूड मेथड यूज करेंगे। एंड अदर वर्ड इसको क्या बोल सकते हैं, इट्स अलाउ द इंसर्टिंग फाइल इन टू द पेज बींग जनरेटेड, जब हमारा पेज जनरेट होगा न्यू पेज तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमें वहाँ पे डेटा सेंड करना होगा इंसर्ट करना होगा इस पर्पज के लिए हम यहाँ पे इंक्लूड मेथड यूज करने वाले हैं। देन नेक्स्ट, सो द इंक्लूड पेज देयरफॉर बी अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट एंड अ सीजीआई स्क्रिप्ट और सर्वलेट और अनदर पेज, ओके, इंक्लूड कौन कौन से पेज के ऊपर यूज कर सकते हैं हम, कि नंबर्स ऑफ पेजेस के ऊपर यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक जो स्टैटिक पेज होगा हमारा डायनेमिक पेज होगा, सीजीआई स्क्रिप्ट भी हो सकता है, सर्वलेट भी हो सकता है, या एनी अदर जेएसपी पेज के ऊपर भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स सिंपल है, जेएसपी इंक्लूड कीवर्ड देन पेज, पेज के अंदर जो भी यूआरएल पाथ आपको पास करना है, देन फ्लश के उसके अंदर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे ट्रू एंड फॉल्स, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, देन जेएसपी पैरम, देन नेम्स एंड वैल्यू पेयर, तो नेम्स आपको जो असाइन करना है आपके पैरामीटर्स को एंड वैल्यू जो पैरामीटर को पास करनी है, देन नंबर्स ऑफ जितने पैरामीटर्स आपको यूज करने हैं वो यूज कर सकते हैं, एंड लास्ट क्लोजिंग द जेएसपी इंक्लूड, तो उसके अकॉर्डिंगली जेएसपी इंक्लूड यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे। देन द पेज एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली देखते हैं, द पेज एट्रीब्यूट इज अ स्ट्रिंग और एक्सप्रेशन
represent the relative URL of the component to which the request is forwarded. कि जो हमारे request है वो कहाँ पे forward होने चाहिए, उस purpose के लिए जो URL हमारे पास होगा या page का name होगा, so हम यहाँ पे represent करेंगे as a page attribute. The component can either be another JSP के जो specifically URL होगा, वो कोई और JSP पेज हो सकता है, सर्वलेट पेज हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो क्या करेगा हमारे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने वाला है. तो ऐसा नाम हम क्या करेंगे हमारे पेज एट्रीब्यूट के अंदर देने वाले हैं. देन सेकेंड एट्रीब्यूट एग्जाम्पल फ्लश, इट इज एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट एंड इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स. डिफॉल्ट इज की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी. एंड इट इज एन ऑप्शनल, इफ हमने इसको ट्रू कर दिया, डिफॉल्ट फिर भी हम इसको ट्रू कर दिया, देन ट्रू करने के बाद क्या होगा, इट इंडिकेट वेदर द आउटपुट इज बफर एंड शुड कैन बी फ्लश्ड बिफोर द इंक्लूड फाइल इज कॉल्ड. फ्लश इन द सेंस जो प्रीवियस डेटा होगा या प्रीवियस जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे फाइल्स के अंदर होंगे, सो इसकी सभी की वैल्यू स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाएगी. इन द सेंस जो प्रीवियस जो डेटा होगा इसके अंदर वो यहाँ से फ्लश हो जाएगा. Then next, that is a JSP param. In this in JSP parameter, it is a used to send one or more name or value pair as a parameter to a dynamic resource. The target resource should be a dynamic, just like कौन कौन से हो सकते हैं, just like JSP page, servlet page, and any other resources which can process the data and that can be sent as it is a parameter. The include JSP page can access a parameter using a get parameters and get parameters value of the request object. इसको access करने के लिए same हमने request dispatcher के अंदर जिस तरह से access किया था, same scenario के अंदर इसको हम access करेंगे as a get parameters और get parameters value through. Okay, ये दो method use करके हम क्या करेंगे, जो parameters हम value यहाँ से pass करेंगे उसको यहाँ पे access करने वाले हैं. Then वन बाय वन एक एग्जाम्पल देखते हैं इंक्लूड के अंदर. सो एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल की सिंपल यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे जेएसपी पेज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल. ओके, ये नॉर्मली विदाउट पैरामीटर्स भी हम इसको रन कर सकते हैं. ओके, विदाउट पैरामीटर्स इन द सेंस द जेएसपी इंक्लूड अ स्टैटिक एचटीएमएल पेज विथ फाइल नेम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इनटू द जेएसपी पेज. द JSP include does not have a body and therefore the shorthand notation is also where the starting tag is end with the slash. Okay, so in body इसके अंदर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, shorthand in the sense जो starting tag होगा उसको ही हम क्या कर सकते हैं, end कर सकते हैं with respect to slash. Okay, forward slash, sorry backward slash से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे एंड करने वाले. तो इंक्लूड फाइल कैन एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन इन द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड देयरफॉर द इंक्लूड फाइल हैव एक्सेस एनी फॉर्म वेरिएबल पास फ्रॉम द वेब ब्राउजर टू पास पैरामीटर टू द इंक्लूड फाइल्स एंड जेएसपी पैराम इज यूज. ओके, विदाउट इंक्लूड बॉडी इफ हमने पैरामीटर पास किए तो सेम पैरामीटर्स हम एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हमने क्या किया है, इंक्लूड फाइल यहाँ पे यूज किया, इंक्लूड पेज यूज किया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज होगा हमारे नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स इन जेएसपी पैराम हमने पास किए होंगे तो वो यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. ओके, जो इस जो अभी हमने स्टेटमेंट बोला वो लास्ट इन द सेंस थर्ड टाइप के अंदर हम अच्छे से देखने वाले. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेम एग्जाम्पल विथ अ बॉडी. तो इसके अंदर हम बॉडी पास करें, विदाउट बॉडी भी एग्जीक्यूट हो सकता है, विथ बॉडी भी एग्जीक्यूट हो सकता है. इन अ जेएसपी इंक्लूड पेज इंडेक्स डॉट जेएसपी, जेएसपी पैरामीटर्स नेम ग्रेटिंग एंड वैल्यूज हेलो. सो सिंगल लाइन है इसके लिए, सेम लाइन के अंदर हम उसको क्लोज करेंगे एंड मल्टीपल लाइंस कोड होगा इन द सेम बॉडी इंक्लूड होगी. सो उस सिनेरियो के अंदर जो एंडिंग टैग हम क्या करेंगे सेपरेटली यहाँ पे उसको डिफाइन करने वाले. द जेएसपी इंक्लूड अ डायनेमिक जेएसपी फाइल नेम विथ अ इंडेक्स डॉट जेएसपी इन टू अ करंट जेएसपी पेज. द जेएसपी पैरामीटर्स इज यूज टू पास वैल्यू टू द इंक्लूड अ डायनेमिक जेएसपी फाइल. द जेएसपी पैराम डज नॉट हैव अ बॉडी एंड देयरफॉर अ शॉर्ट हैंड नोटेशन इज यूज वेयर द स्टार्ट टैग
end with a slash greater than symbol instead of closing symbol, in the sense greater than symbol. The JSP include has a body consist of JSP parameters, and therefore the closing tag of JSP include, which indicate the end of the JSP include. The include file of JSP index.jsp uses the request.get parameters and request.get parameters value to fetch the parameter, just as if parameter were passed from web browser as a form of variable. A value from a JSP parameter takes persistent over the parameter already in the request. If get parameter is used to retrieve a parameter's value, then a value specific in a JSP parameter is retrieved, and if a get parameter's value is used, then both the value specific by the JSP parameters and the value of path from a web browser is retrieved. इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को डिट्राइव कर सकते हैं. देन नेक्स्ट टाइप इसके अंदर देखते हैं, सेकेंड टाइप, दैट इज एन फॉरवर्ड जेएसपी पेज टू द अनदर पेज. द करंट जेएसपी पेज कैन बी ट्रांसफर टू अनदर जेएसपी पेज विदाउट रिटर्निंग बैक टू द करंट पेज ऑफ द जेएसपी. दिस ट्रांसफरिंग ऑफ अ जेएसपी पेज टू अनदर पेज इज नोन एज द फॉरवर्डिंग. जो फर्स्ट हमारा जेएसपी पेज होगा उसका कंटेंट एज इट इज या उसका कंट्रोल हम नेक्स्ट पेज के ऊपर फॉरवर्ड करें, लेके जा रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, फॉरवर्डिंग. द जेएसपी फॉरवर्ड अलाउ अ फॉरवर्डिंग एंड इज परमानेंटली ट्रांसफर प्रोसेसिंग फ्रॉम वन जेएसपी टू अनदर ऑन अ लोकल सर्वर. एनी कंटेंट ऑफ जनरेटेड बाय द ओरिजिनल जेएसपी पेज इज डिस्कार्ड and the processing being a fresh and second page. जो भी हमने content generate किया होगा first page के ऊपर, सभी का सभी content यहाँ पे discard हो जाएगा, and जो control हमारा होगा और next page के ऊपर चला जाएगा. That is an therefore we use an forwarding mechanism. The using a JSP forward, the request can forward it to another JSP servlet or a static resource. कि same content, same condition है कि जो forward JSP होगा हमारा, हम कौन से सिनारियो के लिए यूज करेंगे, जैसे कोई और JSP पेज होगा, सर्वलेट होगा या स्टैटिक रिसोर्सेस होंगे, उस पर्पस के लिए हम इसको यूज करेंगे. देन इसका सिंटैक्स क्या होगा, सेम सिंटैक्स जैसे लाइक इंक्लूड का था, बट कीवर्ड सिर्फ चेंज हो जाएगा, एंड जो फ्लश वाला मेथड है चेंज हो जाएगा. यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्टली क्या हो रहा है, जो डेटा है वो यहाँ से कट हो रहा है एंड न्यू पेज यहाँ पे रिफ्रेशली क्रिएट हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लश वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा. सो जेएसपी फॉरवर्ड पेज एंड जो यूआरएल आपको पास करना है, देन जेएसपी पैरामीटर नेम, पैरामीटर्स वैल्यूज एंड उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा यहाँ पे पास कर सकते हैं. ओके, देन सेम पेज एट्रीब्यूट, इट इज अ स्ट्रिंग एंड एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट अ रिलेटिव यूआरएल ऑफ द कंपोनेंट to which the request is forwarded, and the component can be either another JSP servlet or any other object that can respond to a request. Specifically page attribute के अंदर आप क्या forward करने वाले हो, URL, specifically URL की जहाँ पे आपका page redirect होना चाहिए उस scenario के लिए, and जो भी parameters आपको pass करने वो पैरामीटर्स आप पास करोगे. देन जेएसपी पैरामीटर क्या है, जेएसपी पैरामीटर इज यूज टू सेंड वन एंड मोर नेम वैल्यू पेयर एज अ पैरामीटर्स टू अ डायनेमिक रिसोर्स, एंड द टारगेट रिसोर्स शुड बी अ डायनेमिक. द जेएसपी पेज सर्वलेट ऑल स्टैटिक रिसोर्सेज, डायनेमिक रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिसोर्सेज जो भी होगी, वहां पे हम क्या करेंगे, जो भी पैरामीटर्स है हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड करने वाले. ओके, देन नेक्स्ट, कि द मूवमेंट ऑफ जेएसपी इनकाउंटर टू अ जेएसपी फॉरवर्ड मेथड, कि जैसे लाइक जो भी हम जेएसपी पेज को फॉरवर्ड करते हैं, यूज करते हैं, उस सिनारियो के अंदर क्या क्या चीजें होते हैं, कि जैसे लाइक एग्जीक्यूशन ऑफ करंट जेएसपी इज हर्ट, इन द सेंस जो हम करंटली जो वर्किंग कर रहे हैं जेएसपी पेज के ऊपर वो हॉल्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, एंड बफर इज क्लियर, जो बफर मेमोरी होगी वो क्लियर हो जाएगी,
एंड जो न्यू मॉडिफाई न्यू पेज हमने क्रिएट किया है, जनरेट किया है, वो वहां से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। एक सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर सेम जेएसपी फॉरवर्ड पेज, देन रजिस्टर जो ऑब्जेक्ट आपने यूज किया है जहाँ पे आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए पेज, देन जेएसपी पैरामीटर्स विद अ नेम यूजर नेम, स्पेसिफिकली कोई भी नाम आप यूजर नेम दे सकते हो, देन जेएसपी पैराम नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, इन द सेंस सेकेंड पैरामीटर इज पासवर्ड एंड उसकी वैल्यू 1 2 3 4, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी डेटा यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हो। ये सिंपल कि जैसे कि इफ आपने विदाउट यूजिंग एंड पैरामीटर्स परफॉर्म किया होगा तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो यूआरएल का डेटा होगा या जो पैरामीटर से यहाँ पे आप पास कर सकते हो एंड जो डेटा यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट जो थर्ड टाइप होगा कि जो हमने सिंगल सिंगल मैकेनिज्म देखा था फॉरवर्ड एंड इंक्लूड के अंदर, कि विदाउट यूजिंग एंड पैरामीटर्स हमने यूज कर सकते हैं इंक्लूड एंड फॉरवर्ड मेथड। सो उस सिनारियो के अंदर क्या होगा, जेएसपी पैरामीटर्स यूज टू स्पेसिफिक एडिशनल रिक्वेस्ट पैरामीटर फॉर द टारगेट रिसोर्सेज बाय अपेंडिंग अ पैरामीटर्स टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। दिस एलिमेंट इज यूज इन द बॉडी ऑफ फॉरवर्ड एंड इंक्लूड। ओके, जो पैरामीटर्स हमने देखा था जेएसपी पैरामीटर्स हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमारे जेएसपी फॉरवर्ड एंड जेएसपी इंक्लूड। विदाउट जेएसपी पैरामीटर्स जेएसपी इंक्लूड एंड जेएसपी फॉरवर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज एन जेएसपी पैरामीटर। ओके, सो नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, द नेम ऑफ द पैरामीटर्स, एंड वैल्यू एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स दैट होल्ड। देन नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, सेम एग्जाम्पल इसके अंदर हम देखेंगे द जेएसपी पैरामीटर विथ द नेम यूजर नेम एंड रिस्पेक्ट टू वैल्यू, द जेएसपी पैरामीटर इज सेम नेम इज इक्वल टू वैल्यू एंड पेयर एज अ पैरामीटर इज द डायनामिक रिसोर्स, एंड जो भी कंटेंट हो यहाँ पे हम सिंपल ये पैरामीटर से पास कर सकते हैं। ओके, सिंपल पासिंग अ पैरामीटर और अनदर एक्शन, तो वाई यूजिंग एन जेएसपी पैराम कीवर्ड हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। इफ ए वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी या कोई सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड इफ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट जो न्यू वीडियो आएगा उस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं फॉर एन फ्यूचर नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।